तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डे 5 ऑफ इंडियन गॉसिपिंग चैलेंज सीरीज। सो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने उसमें कैंपेन रन किया था और मैंने उसका बजट जो था 500 से 1500 कर दिया था। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर आ रहा, आप वहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज है उसका रिजल्ट डे और मुझे पता होगा आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मेरे कितने ऑर्डर्स आए और कितने नहीं। सो ऑर्डर दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा और मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा अगर आप इन 2024 में ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं। तो मैं सब कुछ शेयर करूँगा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो डे वन जब मैंने रिसर्च किया था ड्रॉप शिपिंग के बारे में, सो मैंने यूट्यूब से हेल्प लिया था, गूगल से हेल्प लिया था और मैंने उसमें प्रॉपर रिसर्च किया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और हम उसे कैसे शुरू कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मेरी डे टू की। सो डे टू में मैंने किया था प्रोडक्ट रिसर्च, जिसमें कि मैंने मेटाड लाइब्रेरी में प्रोडक्ट सर्च किया था। उसमें मैंने शॉप नाउ, बाय नाउ, COD ऑप्शन डाल के मैंने उसमें प्रोडक्ट लिए थे और मैंने ऐसे प्रोडक्ट लिए थे जिसको थोड़ी यूनिक हो या फिर जिसको देख के लगे कि हाँ ये कुछ नया टाइप का प्रोडक्ट है जो कि शायद काफ़ी लोगों ने देखा ना या फिर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। डे थ्री की बात करते हैं, हमने किया था कैंपेन क्रिएट और उसमें मैंने एक कैंपेन किया था जिसमें मैंने 3 एडसेट रखे थे और 3 एडसेट में 3 एड्स थे और 2 मैंने ओपन किए थे और 1 मैंने ऑडियंस टारगेटिंग की थी। और डे 4 में मैंने सिर्फ स्केलिंग किया था, मैंने अपने बजट को 500 से 1500 इंक्रीज़ किया था और मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे और रिजल्ट का वेट किया था। सो आज डे 5 है हमारा और आज हमारे रिज़ल्ट आ चुके हैं, वो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। और अभी बात कर लेते हैं कि मैंने और क्या क्या इसमें सीखा और क्या आप अगर ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं 2024 में तो क्या आप, जैसा कि आप देखते होंगे कि ड्रॉप शिपिंग से लोग तुरंत अमीर बन जाते हैं, सो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करेंगे और आप तुरंत अमीर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग इतना इजी नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया और लगाएं सो इतना इजी दिखता नहीं है। बीच में मेरे 2 से 3 स्टोर सस्पेंड हो चुके थे। हाँ गाइस, और जैसा कि आप डे 3 में देख सकते हो, जो मेरी डे 3 की वीडियो होगी वो एक दिन लेट आई होगी क्योंकि मेरी जो स्टोर थी वो नॉन स्टॉप 2 स्टोर मेरी सस्पेंड हुई थी। तो ये भी चांसेस होते रहते हैं, आपका फेसबुक अकाउंट ऐड सस्पेंड हो सकता है, ये सारे मेजर इश्यूज हैं जो आते रहते हैं और जिनसे शायद आप परेशान हो सकते हैं। मेरी भी जब 2-3 स्टोरें सस्पेंड हो रही थी तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, मुझको एड रन करना था, अगली वीडियो भी पोस्ट करनी थी। सो ये कुछ चीज़ें थी जो लगातार हो रही थी। सो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 2024 में ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आप 2024 में ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले तो आप प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है और आप उसे कैसे शुरू कर सकते हैं। आप उस पर प्रॉपर डिटेल में रिसर्च कीजिएगा, ये नहीं कि आपने 2-3 वीडियो देखी और शुरू कर दिया। आप इसमें पूरा डिटेल ले लें कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें क्या क्या चार्जेस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता होगा, जो कि आप शुरू करेंगे तो ही आप धीरे धीरे इसको जान पाएंगे। सो ये नहीं कि 2-3 वीडियो देख लें और फिर चलो तुरंत भाई स्टोर क्रिएट करते हैं, ऐड रन करते हैं और पैसे पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपना सारा पैसा गवा देंगे ऐड रन में और स्टोर क्रिएशन सब में। सो पहले आप पूरा प्रॉपर रिसर्च कर लें, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। दूसरा, आप प्रोडक्ट रिसर्च में ज़रूर टाइम दें। आप एक ऐसा प्रोडक्ट लें जिसको कि आपको लगे कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट होता है। आप प्रोडक्ट ढूंढने में 1 से 2 दिन लें, 3 दिन लें, जितना भी हो, लेकिन आप एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के निकालें। उसके बाद ही फिर आप उससे रिलेटेड स्टोर क्रिएट करें और उसका प्रोडक्ट पेज क्रिएट करें। बताती है ऐड रनिंग की, तो आप उससे भी रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा कि ऐड कैसे रन करते हैं। और अगर आपको चाहिए कि ऐड कैसे क्रिएट करते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि फेसबुक को कैसे ऐड रन करते हैं, उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बन पाएंगे। और अगर आप नए हैं और आप अपना पूरा बिना नॉलेज लिए अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप अपना पूरा पैसा लॉस कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा लॉस ना करें तो आप इसमें प्रॉपर रिसर्च करें पहले और उसके बाद ही आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करें। ओवरऑल अगर हम बात करें कि मैंने ड्रॉप शिपिंग में क्या सीखा, तो ओवरऑल मैंने सीखा कि आप ड्रॉप शिपिंग से इंस्टेंटली अमीर नहीं बन सकते, आपको इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें भी आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। सो चलिए अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कितने
ऑर्डर्स आए हैं। चलिए फिर आपको दिखाते हैं टोटल कितने ऑर्डर्स आए हैं। चलते हैं पहले अपने ऐड मैनेजर में, वहाँ पे देखते हैं आप कितने शो कर रहे हैं। यहाँ से ऐड मैनेजर कर लेते अपना। तो भी हमारा ऐड एक्टिव है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल हमारे ऑर्डर्स आए हैं यहाँ पे 18 शो कर रहे हैं, और हमारा जो रीच रहा है वो 16,410 है, इम्प्रेशन 18,000 है, और जो हमारा CPR है वो 91 रुपीज़ है, 92 अप्रॉक्स 92 हम मान सकते हैं, 92 अप्रॉक्स है, और जो अमाउंट स्पेंड हो चुका है वो यहाँ पे कुछ 1700 के आसपास है। अब देख लेते हैं अगर कुछ फंड बचे हैं या फिर ख़त्म हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे फंड भी ख़त्म हो चुके हैं, और अब चलते हैं हमारे Shopify के डैशबोर्ड पे, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या शो कर रहा है। वहाँ पे भी सेम शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम Shopify के डैशबोर्ड पे चलते हैं, एनालिटिक्स में देखते हैं। सो यहाँ पे ये आज का शो हो रहा है, आज का हम टोटल 11 ऑर्डर थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल हमारे कितने रहे दो दिन के हमारे। तो जो हमारे टोटल ऑर्डर आए हैं दो दिन के वो हैं 21 ऑर्डर आए हैं, और जिनकी टोटल जो वैल्यू है वो 10,479 रुपीज़ है। सो अप्रॉक्स ये 10,500 मान के सकते हैं। तो इसमें से जो 21 ऑर्डर आए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि 21 ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो जाएंगे। इसमें से कुछ क्या होंगे, इसमें से कुछ ऑर्डर्स RTO हो जाएंगे, या तो कुछ लोगों ने इसमें गलत पिन कोड या डाले होंगे तो वो डिलीवर नहीं होंगे। सो इस केस में डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़रूरी होता है, आपका जो प्रोडक्ट का डिलीवरी परसेंटेज होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मेरे प्रोडक्ट का जो डिलीवरी परसेंटेज था वो अप्रॉक्स 52 point something था। सो आई होप कि मेरे 50% ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे। सो शायद मेरे 21 में से शायद 10 या 11 ऑर्डर्स डिलीवर होंगे, और जिनका पेमेंट शायद आए। सो जैसा कि आपने देखा कि मेरे कितने ऑर्डर्स आए हैं। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाऊं, सो आप उसको भी कमेंट में टॉपिक दे सकते हैं, मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।